जय हिंद साथियों, क्या आप जानते हैं कि आज आप कोई भी न्यूज चैनल खोलें तो सिर्फ और सिर्फ इजराइल की चर्चा हो रही है। ऐसा क्या है इजराइल की खूबी? इजराइल की खूबी यह है कि उसकी आबादी अभी अभी भी 1 करोड़ नहीं हुई है, 1 करोड़ से कम लोग ही इजराइल में रहते हैं। दूसरी सबसे बड़ी खूबी इजराइल की यह है कि पाकिस्तान के जन्म होने के ठीक 9 महीने बाद इजराइल देश का जन्म हुआ था, यानी कि 9 महीने बाद पाकिस्तान के 14 मई को इजराइल का जन्म हुआ और 14 अगस्त को पाकिस्तान का। इतना तो आप समझ चुके हैं। दूसरी सबसे बड़ी बात है कि सिर्फ 1 करोड़ की आबादी से लड़ने के लिए 2 अरब लोगों की आस्था जुड़ी हुई है। तमाम लोग ये कह रहे हैं कि सारे इस्लामिक कंट्रीज को मिल करके इजराइल पे हमला करना चाहिए। बताइए, 2 अरब लोग और कहाँ 1 करोड़ लोग। 1% की भी बात नहीं है, फिर भी सारी दुनिया के लोग ये चर्चा कर रहे हैं कि इजराइल से मिलकर लड़ना चाहिए। जो कट्टरपंथी लोग हैं वो कह रहे हैं कि कौम के कारण सबको मिल के इजराइल पे हमला करना चाहिए। और दूसरी सबसे बड़ी खूबी इजराइल की है, इजराइल अपने दुश्मनों को न कभी छोड़ता है न कभी भूलता है, खोज खोज के मारता है। ऐसा जज्बा सिर्फ 1 करोड़ की आबादी वाले देश में अगर है तो वो उन देश के नागरिकों की आस्था, देश के प्रति देश प्रेम ही साबित करता है कि वो अपने देश के लिए पल भर में जान कुर्बान कर सकते हैं। कोई नारेबाजी नहीं, कोई शोर शराबा नहीं, जो करना है वो करेंगे। इतनी खतरनाक आस्था के साथ जो अपने देश के साथ खड़ा है। आज इजरायलियों की टेक्नोलॉजी भी सबसे बेहतर है दुनिया में। कुछ चीज़ें तो उन्होंने ऐसी ऐसी बनाई है जो सिर्फ और सिर्फ इजराइल के पास है, पूरी दुनिया के पास उसका न तोड़ है न उसका कोई जोड़ है। साथियों, जब तक आप पढ़ेंगे लिखेंगे नहीं, टेक्नोलॉजी का प्रयोग नहीं करेंगे, अपने आप को उन्नत और सुरक्षित रखने का प्रयास नहीं करेंगे, ये दुनिया के लोग किसी को जीने नहीं देते। आप पे किसी भी व्यक्ति की बात मैं कर रहा हूँ, आप अपने को आर्थिक रूप से मजबूत कीजिए, ताकत के रूप से मजबूत कीजिए और शक्ति पूजा यानी नवरात्रि में जो शक्ति पूजा होती है उस पे ध्यान दीजिए। आप अपनी शक्तियाँ बढ़ाइए, तभी आप दूसरे का मुकाबला कर सकते हैं और अपने आप को सुरक्षित रख सकते हैं। हमें भी अगर भारत को सुरक्षित रखना है, अपने आसपास के माहौल को सुरक्षित रखना है, तो हमें भी ताकतवर होना होगा। उसके लिए हमारे दिमाग से बेईमानी नामक चीज एकदम खत्म होनी चाहिए। हमें एक दूसरे का सहयोग करना चाहिए और मिलजुल करके विकास प्रक्रिया को आगे बढ़ाना चाहिए। अगर हम इसमें चूकेंगे तो बाकी हर जगह, कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं कि इस धर्म के लोग बहुत ही ईमान वाले होते हैं, जज्बे वाले होते हैं। अब आप सोचिए कि ईरान का पूर्व राष्ट्रपति कह रहे हैं कि पूरी की पूरी उनकी खुफिया एजेंसी को ही हायर कर लिया गया था मोसाद वालों के द्वारा। मोसाद ने ईरान का पूरा परमाणु परीक्षण ध्वस्त कर दिया, परमाणु बम बनाने की कल्पना को ही एकदम ध्वस्त कर दिया, या यूं कहिए कि उनकी भ्रूण हत्या करा दी। अगर आप जज्बे के साथ अपने अपने देश, अपने समाज, अपने आसपास के लोगों के लिए और खुद के लिए अगर आप तैयार नहीं बैठे हैं तो आप कहीं के नहीं।